अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, आज मैं आपको गोभी गोश्त बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसमें सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे, उसमें हल्दी और मिर्च के साथ ही हम इसमें लहसुन और प्याज डालेंगे, क्योंकि हमने लहसुन छीला होगा और प्याज काटा होगा। और इसके नमक डालने हसबे जायका, इसके बाद इसको कवर करें और रख दें चूल्हे पर चढ़ा दें। साथ ही हम गोभी की तरफ चलेंगे। गोभी की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम उसके फूल से अलहदा कर लेंगे, फिर फूल के हम कटिंग करेंगे। सारे पीसों को अलहदा अलहदा सेपरेट कर लें। इसके लिए जो हम गोभी यूज़ करेंगे वो हमारी ज़्यादा बारीक कटिंग वाली नहीं होगी, हमें उसको थोड़ा मोटा मोटा काटना होगा ताकि इसकी शेप बरकरार रहे और गोश्त के साथ जो है वो मैश ना हो जाए। गोभी गोश्त जो है वो बहुत ही टेस्टी डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है, पकाने में भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल डिश नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए आपको इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे गोभी की कटिंग करेंगे, बारीक होगी कितनी, मोटी होगी कैसे, कौन कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें और इसको ट्राई ज़रूर करें। हमारी कटिंग हो रही है गोभी की, आप देख सकते हैं कि इसमें गोभी जो है वो हम ज़्यादा बारीक नहीं काट रहे। हमारी गोभी की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम चलेंगे गोश्त की तरफ। गोश्त देखिए हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा पानी है, इसका पानी खुश्क करेंगे और इसमें जो है वो हम ऑयल डालेंगे और इसके भूनने का प्रोसेस करेंगे। साथ हम कुटी हुई रेड मिर्च जो कि फ्रेश है वो डालेंगे। आयन डाल रहे हैं हम। अब
अब हम इसके भूनने का प्रोसेस करेंगे। इसमें हमें गोश्त को तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। याद रखें कि इसको हम तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, हल्की आंच पे भूनेंगे। अगर हम तेज़ आंच पे इसको कुक करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, टेस्ट के साथ साथ इसकी गजाइत में भी कमी आ जाएगी। इसलिए हमें हल्की आंच पे इसको भूनना है। देखिए हमारा गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है, आयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। देखिए हमारा आयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे इसको, उसके बाद हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। आयल देखिए हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया, जितना भी आयल है वो सेपरेट हो गया और गोश्त हमारा जो है वो सेपरेट हो गया। आयल बिल्कुल भी जो है वो आपका गोश्त के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपका गोश्त के अंदर आयल होगा, आयल सेपरेट नहीं होगा, तो आपका खाना जो है वो टेस्ट के साथ साथ दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि आयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गए, इसमें बिल्कुल भी अब आयल जो है वो मिक्स नहीं है। अब हम 1 सेकंड के लिए और भूनेंगे इसको, और उसके बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे। अब हम इसमें गोभी डाल रहे हैं जो कि बारीक कटी हुई नहीं होगी बल्कि थोड़ी मोटी कटी हुई होगी। गोभी डाल दिए, इसके बाद हम इसको गोभी को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मसाला जात हैं वो गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं और उसमें भी उसकी उसका टेस्ट गोभी के साथ उसका टेस्ट जो है वो मिक्सअप हो जाए। इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी गोभी का पीस ऐसा ना रहे इसमें आपके मसाला जात मिक्स ना हो। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून सकते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जो कि उसपे जायका होगा, आप चाहें तो ना ऐड करें, चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वैसे क्योंकि गोभी गोश्त में जो है वो ज़ीरा अच्छा रहेगा। इसको आप कवर कर देंगे और दम पे रख दें। हमारा गोभी गोश्त रेडी है, इसको डेकोर करें धनिए के साथ और सर्व करें रोटी के साथ। बहुत ही डिलीशियस डिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक्स अलॉट।